बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ कीमा भरे करेले, और मसाले में मैं इसमें चने की दाल भी शामिल करूँगी। ये मैंने चिकन का कीमा लिया, ये देखिए इसको मैंने पीस लिया, और सब्ज़ मिर्चों के साथ, और ये कुछ लाल मिर्चें थी जो सब्ज़ हो जाती हैं वो हैं, और ये टमाटर और प्याज मैंने शॉर्ट कर लिया इस साथ। ये प्याज ये देखिए ये भी इसी में शामिल कर लिया मैंने। अब टमाटर है, इसमें भी थोड़े से टमाटर लिए थे, ये भी मैं साथ ही डाल दूँ क्योंकि इसमें दाल भी डलेगी। ये मेरे पास 1.5 टीस्पून नमक है, ये 1 टीस्पून भर के मैंने अनारदाना पाउडर लिया है, ये लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है क्योंकि इसमें भी सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ी सी हल्दी ली है, ये एक भर के मैंने धनिया लिया है, गरम मसाला है, जीरा है, सूखा धनिया, और ये कुटी हुई मिर्च है जिसमें डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से इसमें स्पाइस कर लीजिएगा। ये भर के मैं मुट्ठी सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ, बल्कि इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और इसमें मैं नमक भी टेस्ट कर लूँगी थोड़ा सा इनको पका के। देखिए कीमा ये सारा, ये चने की दाल है, ये मैं उबाल रही हूँ, ये मैं मसाले में कीमे के साथ जो बच जाएगा उसमें डालूँगी, ये उबल जाए फिर मैं जब डालूँगी आपके सामने डालूँगी। करेले धो लिए थे, धो के इनको मैंने इनके बीज निकाले थे, नमक लगा के रख दिया था, फिर धोए, फिर मैंने उबलते हुए पानी में इसको 2 मिनट उबाला था, यानी कि ये उबलते हुए पानी में 1-2 मिनट उबाल के इनका पानी निकाल लिया था। और ये देखिए ये अभी क्रंच भी है इनका, ये ग्रीन भी है, लेकिन मैंने बॉयल किए हुए हैं ये, तो ये इनको मैं भरूँगी, भर के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इनमें कच्चा कीमा फिल किया है मसाले भर के, ये चिकन का कीमा और कच्चा फिल करके इन पर मैंने धागा लपेट दिया है। फ्राई करूँगी, ये फ्राई करूँगी फिर मैं दिखाऊँगी आपको, ठीक है। ये फ्राई हो रहे हैं, ये मैंने फ्राई करने रख दी है इनकी, ये कच्चा कीमा था, ये नहीं खुलेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये अंदर ही इसके स्टफ हो जाएगा तो ये फ्राई हो जाए सारे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जो बाकी कीमा बचा था उसमें मैंने ये दाल डाल के इसको फ्राई करी, करेले फ्राई करके मैंने निकाल ली, उसमें मैंने चने की दाल डाली, उसको डाल के अच्छी तरह भून, जब ये अच्छी तरह भून जाएगी तो फिर मैं इसको करेले डाल के दम लगा दूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। कीमा और दाल है, ये इसमें मैंने दाल मिक्स कर ली, इसमें मैंने खाली कच्चा कीमा भरा था, उसमें दाल नहीं डाली, करेलों में मैंने दाल नहीं डाली। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं, ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, मुझे दुआओं में याद रखें, आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।